Hi guys, welcome back to my channel. If you're new to my channel, then hi, my name is Mimi. In today's video, I'm gonna share with you a makeup look for Durga Puja. In this makeup look, मैं hair और makeup दोनों ही include करने वाली हूँ. तो जैसे कि आप मेरे साड़ी से बता सकते हैं, this is gonna be a night time makeup look. तो आप इसे दुर्गा पूजा के दौरान या फिर कोई भी festivities में आप खुद भी try कर सकते हैं. So if you guys wanna check out my entire makeup look and which hair do I'm gonna do today, then continue watching. Starting with the makeup, my skin is already prepped, so I'm moving directly to the primer. और सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो भी मैं आज इस वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ, सभी के नाम और लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि वीडियो में अगर नाम या फिर प्रोडक्ट मेंशन करने जाओ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है. सो नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग अ ऑरेंज कलर करेक्टर. मेरे पास जो कलर करेक्टर है दैट इज़ इन अ क्रीमी फॉर्म, सो मैं फिंगर से ही अप्लाई करना पसंद करती हूँ. उससे जो ब्लेंडिंग है वो आसान हो जाता है. और कलर करेक्टर को सिर्फ अंडर आई एरिया में नहीं, फेस पर जहाँ पर भी थोड़ा बहुत डार्कनेस है, जैसे कि अराउंड द माउथ एरिया या फिर अगर कुछ एक्ने मार्क्स वगैरह है तो वहाँ पर भी अप्लाई करना है. नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग द कंसीलर. और कंसीलर को मैं एक फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश के मदद से ब्लेंड कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं. और मैं पसंद करती हूँ पहले कंसीलर और फिर फाउंडेशन अप्लाई करना. मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन. फाउंडेशन मैं एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की मदद से ही अप्लाई करना पसंद करती हूँ. मुझे लगता है इससे ब्लेंड बेटर होता है. मैं फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करती हूँ, बट आपके पास जो भी टूल मौजूद है फेस के लिए, आप उससे फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हैं. और यहाँ पर आपको कलर में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा, वो इसलिए क्योंकि जो ऑरेंज कलर करेक्टर है उसको मैंने ऑलमोस्ट मेरे पूरे चेहरे पर ही अप्लाई किया है, क्योंकि डार्कनेस के साथ साथ एक्ने मार्क्स के साथ साथ मेरे स्किन पर थोड़ा सा रेडनेस भी है. उसको कवर करने के लिए भी मैंने जो ऑरेंज कलर करेक्टर है उसको अप्लाई किया है. नेक्स्ट इज़ कॉन्टोरिंग. कॉन्टोरिंग मैं बहुत प्रिसिशन के साथ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं लिक्विड या फिर क्रीम कॉन्टोर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ. आई यूज़ अ पाउडर कॉन्टोर. तो नेक्स्ट इज़ माई सेकेंड कंसीलर. येस, मैं दो कंसीलर यूज़ करती हूँ. पहला वाला जो कंसीलर था वो मेरे स्किन टोन का एग्जैक्ट मैच था, और ये जो दूसरा कंसीलर है ये मेरे स्किन से 2-3 शेड लाइटर है, जिसे मैं यूज़ करती हूँ टू ब्राइटन माई अंडर आई एरिया. और ये जो लाइट वाला कंसीलर है इसे मैं बाद में यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर आप पहले ही इसे यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं कलर करेक्टर के बाद, तो आपका जो अंडर आई एरिया है वो ग्रेइश लगता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है. तो मैं इसे सेकेंड स्टेप में यूज़ करती हूँ. सेकेंड कंसीलर यूज़ करने के बाद मैं पाउडर अप्लाई करती हूँ अंडर आई एरिया में टू बेक माई अंडर आईज. एंड यू कैन सी आई एम अप्लाइंग द पाउडर इन अ स्टिपलिंग मोशन. मैं स्वाइप नहीं कर रही हूँ पाउडर को अंडर आई एरिया में, इससे जो बेकिंग है वो बेटर होता है. मूविंग ऑन टू द आई मेकअप. सबसे पहले मैं एक ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ, और मैंने जानबूझ के ही जो ट्रांजिशन शेड है उसे थोड़ा सा डार्कर चूज़ किया है, क्योंकि हमारा जो आई मेकअप है वो डार्कर साइड पे होने वाला है. इसके बाद हमें अप्लाई करना है एक काजल. मेरे पास नायका का एक पॉट काजल था, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, बट आपके पास जो भी काजल मौजूद है आप उसे यूज़ कर सकते हैं. और उसे सिर्फ लिड एरिया पर अप्लाई करना है, पूरे ओवरऑल आई एरिया में नहीं. और अप्लाई करते वक्त उसे स्मज भी करना है. आप फिंगर के मदद से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई आई ब्रश ही यूज़ करना है स्मच करने के लिए. और इसे स्मच करने के बाद हमें इसे सेट करना है. मैं इसे सेट करने के लिए एक ब्लू आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साड़ी में ब्लू कलर मौजूद है. अगर आप चाहें तो ब्लैक आई शेडो से भी इसे सेट कर सकते हैं. और जो डीपर शेडो है, ब्लू या ब्लैक जो शेडो आप यूज़ कर रहे हैं, उसे पैटिंग मोशन में अप्लाई करना है. और अप्लाई करने के बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से जो ब्लू आई शेडो है और जो ट्रांजिशन शेड हमने ऑलरेडी अप्लाई किया है उसे ब्लेंड करना है अच्छी तरीके से. उसके बाद आई एम अप्लाइंग अ सिल्वर ग्लिटर शेडो, शिमर शेडो ऑन माय ब्राउ बोन एरिया, क्योंकि मेरे साड़ी में सिल्वर भी मौजूद है. अगर आप चाहें तो गोल्डन या फिर दूसरा कोई शिमर शेडो यूज़ कर सकते हैं. एंड फाइनली आई एम यूजिंग अ म्यूटेड ब्राउन न्यूड शेड फॉर माई लिप्स, क्योंकि आई मेकअप थोड़ा सा डार्कर साइड में है, तो इसीलिए जो लिप मेकअप है उसे मैं थोड़ा सा न्यूडिश लाइट साइड में मैं रख रही हूँ. यू कैन पिक एंड चूज योर लिप शेड एज पर योर प्रेफरेंस. सो वी आर डन विद आर मेकअप. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हेयर डू.
फेस फ्रेमिंग दो सेक्शंस को पीछे ऐसे एक हेयर टाई की मदद से टाई कर लीजिए एंड देन फ्लिप इट ट्वाइस लाइक दिस। दो बार फ्लिप करने के बाद जो हेयर सेक्शन है दोनों साइड से थोड़ा सा लूज कर लीजिए एंड दिस इज अ रियली ईजी हेयर स्टाइल टू वेयर विथ ओपन हेयर। इससे आपका जो हेयर है वो चेहरे पर भी नहीं आता है एंड योर हेयर इज सिक्योर्ड एज वेल और ये सभी हेयर लेंथ के साथ बहुत ही आसानी से चल जाता है। सो दिस इज माय एंटायर दुर्गा पूजा मेकअप एंड हेयर लुक आफ्टर एडिंग माय इयररिंग्स बिंदी एंड आईलैशेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आप ये लुक ट्राई करने वाले हैं तो। और एक दूसरे वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।